सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो नींद नहीं आ रही है। प्रेजेंटेशन पूरी रात जागोगे? लेकिन तुम सो जाओ, तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है ना कल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना। Do you remember last month मैं अपने कलीग्स के साथ दिल्ली गई थी? तुम घर पर अकेले थे और फीवर भी था तुम्हें। ये सब पता है मुझे नैना, पॉइंट पर आओ ना। So I was saying के तुम्हें बिना बताए मैं पब भी चली गई थी फ्रेंड्स के साथ। क्या यार नैना, इतनी सी बात बताने में इतना टाइम ले लिया। इट्स ओके यार, और वैसे भी मैं उन टिपिकल बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ जिन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बीमार हालत में छोड़ के पब चली गई। इट्स ओके, तो चल। तुम्हें तो पता ही है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। बट वो शालू है ना, उसने मुझे जबरदस्ती पिला दी। क्या जबरदस्ती पिला दी? एंड व्हाट डू यू मीन बाय जबरदस्ती पिला दी? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है नैना, और तुम भी कोई छोटी बच्ची नहीं हो। और नैना, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन शालू जैसी चालू लड़कियों से दूर रहा करो, बहुत चीप होती है यार ये। बाय द वे, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ, वो थोड़े से चक्कर आ रहे थे बस। डू यू नो आशीष कश्यप? वो तुम्हारा सीनियर? हाँ, वो भी आया था उस दिन। अच्छा, So, as I said, के मुझे चक्कर आ रहे थे और मैंने शालू को बोला कि मुझे होटल ड्रॉप कर दे, पर she was busy with some guy. फिर आशीष ने मुझे होटल ड्रॉप किया और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। सो उसने मुझे मेरे रूम छोड़ा। फिर क्या नैना? आशीष ने कुछ किया तेरे साथ? नैना तू बस एक बार मुझे बता, मैं मुंह तोड़ दूंगा उस साले का। नैना, I slept with him. I'm sorry, Tarun. I know I made mistake, but वो सब unintentional था। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो ना? मैं चाहती तो ये बात छुपा सकती थी ना तुमसे, नहीं छुपाया। आई नो लाइफ में और रिलेशनशिप में इन चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट कभी कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन
इन चीजों को भुलाने में I'm sorry, Tarun. सोई नहीं अभी तक। नहीं वो नींद नहीं आ रही है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन बन गया क्या? तुम्हारा प्रेजेंटेशन तुम्हें नहीं? वो हेडेक है बस थोड़ा सा। वेट, मैं मेडिसिंस लेकर आती हूँ। सब खराब कर दिया ना, मुझे डाली जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।
नैना वो लास्ट मंथ जब तुम दिल्ली गई थी ना और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फीवर है हाँ तो मुझे फीवर नहीं था को एक्चुअली मैंने नताशा को किसी ऑफिशियल काम से घर बुला लिया था नताशा शर्मा वो जिसकी शक्ल भिंडी जैसे दिखती है हाँ हाँ भाई रात बहुत हो गई थी तो मैंने भिंडी आई मीन नताशा को यहीं पे सोने को कह दिया फिर वही हुआ जो तुम गैस कर रही हो अब छोड़ना यार नैना हो गई गलती सॉरी बोल रहा हूं ना आगे से नहीं होगी और वैसे भी गलती तो तुझसे भी हुई है ना नैना तुम लड़कों के लिए ये सब कितना प्लेटोनिक हो जाता है मतलब मैं जब से दिल्ली से आई हूं मैं मरे जा रही हूं गिल्ट में कि मैं तुम्हें कहीं धोखा तो नहीं दे रही लुक एट यू अफसोस तक नहीं है तुम्हें मैं तो कर रहा हूं ना कन्फेस मेरे करने के बाद मैं अगर नहीं कन्फेस करती ना तरुण तो तुम भी नहीं बताते हाँ नहीं बताता और तुम्हें भी नहीं बताना चाहिए था मैं ना क्योंकि जितना लिबरल और ओपन माइंडेड तू मुझे समझ रही है ना उतना मैं हूं नहीं और क्या जरूरत थी सब कन्फेस करने की छुपा भी तो सकती थी ना लेकिन नहीं हमें तो रानी हरिश्चंद्र बनना है और हाँ होता है हम लड़कों के लिए सब प्लटा और इसके पीछे कोई खास लॉजिक है नहीं ना मेरे पास ना तेरे पास ना। करते हैं हो भी गलती तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो तुम्हारी गलती थोड़ी ना है ये तो हमारे ग्रेट इंडियन मैथोलॉजी की गलती है अब तुम रामायण को ही देख लो 10 महीने सीता राम से अलग रही तो राम भी तो 10 महीने सीता से अलग रहे लेकिन नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेशन तो सीता को ही देना था बेचारी को कुदा दिया आग में अगर आग में कूदने से कैरेक्टर पता चलते ना तो फिर राम को भी कूदना चाहिए था तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं हाँ मतलब राम को भी कूदना तो चाहिए था
तरुण तुम नताशा को अब से घर पे नहीं बुलाओगे? पक्का नहीं बुलाऊंगा, बल्कि इस बार मैं खुद ही उसके घर चला जाऊंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, बेडरूम में कैमरा क्यों नहीं लगवा लेती? तुम हॉल में चले गए तो तुम हॉल में भी कैमरा लगवा लो। मैं तो बोलता हूँ हॉल में, किचन में, बाथरूम में, बालकनी में, सब जगह कैमरा लगवा लो। बाथरूम पसंद जाएगा? अब हो गया तो हो गया, तुम जो चाहे वो करवा लो। What was that? अरे यार, इन मिस गुप्ता का क्या करूं मैं यार, आधी रात को लेमन टी बना के कौन पीता है? पता है रोज रात को 2 बजे उठ के लेमन टी बनाती है। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता है इसे? मुझे क्या, सोसाइटी में सबको पता है। एक मिनट, तुम मुझ पे डाउट कर रही? मतलब तुझे लगता है कि मेरे और मिस गुप्ता के बीच में कुछ चल रहा है? Five, four, three, two, one.